सूरत के उमरा इलाके में धर्मारू हाउस के पास एक हादसा सामने आया है, जिसमें नाबालिग तेज गति से बाइक चला रहा था। इसी हादसे के दौरान एक अन्य बाइक से उसकी बाइक वही खड़ी कार से टकरा गई। हालांकि इस पूरी घटना में नाबालिग बाल बाल बच गए। वहीं दूसरी ओर पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। नाबालिग बाइक चालक खड़ी कार से टकरा गया। सूरत में आए दिन हादसों की घटनाएं सामने आती रहती है। खासकर युवा तेज गति से बाइक चलाते हैं और बाद में हादसों का शिकार बन जाते हैं। इसी एक घटना सूरत के उमरा इलाके में सामने आई है। उमरा धर्मारू हाउस के पास रहने वाले संतोष भाई जोशी ने सोसाइटी के गेट के पास अपनी कार खड़ी कर दी थी। इसी दौरान एक बाइक चालक अपनी बाइक को पूरी रफ्तार में चला रहा था और एक अन्य बाइक चालक भी वहां से गुजरा, जिसमें नाबालिग की बाइक सीधे कार से टकरा गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में नाबालिग बाल बाल बच गया। उधर पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूरी फास्ट गति से चलते हुए नियंत्रण खो दिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि नाबालिग छात्र तेज गति से बाइक चला रहा था और जब दूसरा बाइक सवार वहां से बाइक लेकर जा रहा था तो नाबालिग ने नियंत्रण खो दिया और बाइक कार से टकरा गई। हादसे के बाद वहां मौजूद लोग दौड़े चले आए। कार मालिक ने अपराध दर्ज कराया है। जबकि कार मालिक को पूरी घटना की जानकारी हुई तो वह भी मौके पर पहुंचा और बाइक चालक का नाम पूछने पर पता चला कि वह 16 वर्षीय नाबालिग है और पढ़ाई कर रहा है, जबकि दूसरे बाइक चालक का नाम विपुल भाई महसरिया बताया जा रहा है। इस हादसे में उसकी कार का 56,000 का नुकसान हो गया है। इस मामले में कार मालिक ने दोनों बाइक चालकों के खिलाफ उमरा थाने में तहरीर दी है। उमरा पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।